तो आज हम हल्क की एक बिल्कुल ही नई और पॉपुलर कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है द इनक्रेडिबल हल्क फ्यूचर इम्परफेक्ट। इस कॉमिक स्टोरी के अंदर हल्क ईवल बनकर पूरी दुनिया को रूल करने लगता है और अपनी आइडेंटिटी को बदलकर माइस्ट्रो बन जाता है। लेकिन आखिरकार हल्क ईवल क्यों बनता है और उसका नाम हल्क से माइस्ट्रो कैसे पड़ता है, ये सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर जानोगे। और वैसे तो ये कॉमिक काफी बड़ी है, लेकिन मैंने इसकी बड़ी सी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होते ही हम हल्क को देखते हैं, जो कि कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन और कुछ सुपर हीरोज के साथ खड़ा होता है और उनके बगल में एक बड़ा सा सेंटियन पड़ा होता है। वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन्होंने इस सेंटियन को हरा दिया है, इसीलिए अब खतरा टल चुका है। इसके बाद हल्क अपनी वाइफ बेटी रोस और अपने दो बच्चों के साथ एवेंजर्स मेंशन के अंदर डिनर करने लगता है, जहां पर हल्क कह रहा होता है अब दुनिया बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि बहुत सालों से दुनिया पर कोई मुसीबत नहीं आई है, सब कुछ कितना अच्छा है ना। लेकिन तभी अचानक से हल्क की वाइफ कुछ अजीब रिएक्ट करने लगती है और वो कहने लगती है, सिस्टम में खराबी आ रही है, प्रोग्राम बंद हो रहा है। और ये सब बोलते हुए उसकी आवाज बिल्कुल एक रोबोट की तरह हो जाती है, मानो एक रोबोट ही बोल रहा हो। हल्क ये सुनकर शॉक हो जाता है, इसीलिए वो अपनी वाइफ बेटी से इस बारे में पूछने लगता है, पर बेटी हल्क की किसी बात का जवाब नहीं देती। हल्क इस बारे में सोचते हुए वहां से बाहर निकल जाता है, पर बाहर आते ही उसके सामने सभी एवेंजर्स आ जाते हैं और वो हल्क से कहने लगते हैं कि शांत हो जाओ, इस बारे में सोचना बंद कर दो। लेकिन हल्क ये सब सुनकर गुस्सा होने लगता है और फिर तभी एवेंजर्स उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हल्क अपने एक ही थंडर क्लैप से उन सबको दूर फेंक देता है, पर विजन हल्क के पास आ जाता है और अपना एक हाथ हल्क के दिमाग के अंदर डालने लगता है, जिसे देखकर हल्क चिल्लाते हुए बोलता है, बाहर निकलो, मैंने कहा मेरे दिमाग से बाहर निकलो। और फिर इसके बाद ही हल्क नींद से जाग जाता है और उसे ये पता लगता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब वो अपने दिमाग में देख रहा था। वहाँ पर हल्क खुद को एक लैब के अंदर पाता है, जहाँ पर उसे एक मशीन से जोड़कर रखा गया था। हल्क उस मशीन से बाहर निकल जाता है, लेकिन हल्क के बाहर निकलते ही वहाँ पर जोर जोर से एक अलार्म बजने लगता है। हल्क यहाँ पर सोचने लगता है, मैं कहाँ पर हूँ, ये जगह कौन सी है और मैं कब से यहाँ पर हूँ, और ये क्या, अब तो मेरी दाढ़ी भी उग चुकी है। हल्क ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो हल्क को वापस उस मशीन के अंदर जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन हल्क गुस्से से उन सोल्जर्स के पास आने लगता है और फिर ये देखकर वह सभी सोल्जर्स हल्क के ऊपर अपनी गन से फायर कर देते हैं। उस गन अटैक की वजह से हल्क दूर जाकर गिरता है और ये सोचता है कि ये गन्स काफी पावरफुल हैं। और फिर इसीलिए हल्क उन सोल्जर्स से लड़ने की बजाय जमीन पर जोरदार पंच मारता है, जिससे जमीन टूट जाती है और फिर हल्क वहां से नीचे भाग जाता है। पर नीचे आते ही उसे दो और लोग दिखते हैं, जो कि होते हैं एबोमिनेशन और द वेपर। अब एबोमिनेशन को तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग वेपर को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि द वेपर मार्वल के एक पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि खुद को धुएं में बदल सकती है और पूरी तरह से वेपर का फॉर्म ले सकती है। हल्क उन्हें देख ही रहा होता है कि तभी वो सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और इस बार उनके साथ मोडोक भी होता है। हल्क उन सोल्जर्स को मारने के लिए उनकी तरफ भागता है, पर एक एनर्जी शील्ड हल्क को वहीं रोक देती है और तभी मोडोक हल्क के ऊपर एक लेजर बीम फायर करता है, जिससे हल्क दूर जाकर गिरता है। मोडोक को देखकर हल्क उससे पूछता है, यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरी वाइफ बेटी कहाँ पर है, मेरा दोस्त रिक जॉन्स वो कहाँ है और बाकी सब लोग कहाँ है। ये सुनकर मोडोक हल्क को सब कुछ बताना शुरू करता है। वो हल्क से कहता है, वो सारे लोग मर चुके हैं डॉक्टर बैनर। इसके आगे मोडोक बताता है, डॉक्टर बैनर दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका है, इंसानों ने इंसानों को ही मार दिया है। आज से लगभग 100 साल पहले एक टेररिस्ट ग्रुप ने अमेरिका और रशिया के अंदर एक एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिए थे, जिस वजह से लाखों लोग मारे गए। पर उन दोनों कंट्रीज को ऐसा लगा कि उन पर वो हमला दूसरी कंट्री ने किया है और फिर जब तक लोग सच्चाई जान पाते तब तक उससे पहले ही दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब की बारिश हो गई, जिससे दुनिया के लगभग आधे से भी ज्यादा लोग मारे गए। ये सुनकर हल्क मोडोक से पूछता है, अगर ऐसा हुआ है तो ये सब मुझे याद भी नहीं है। और फिर इसका जवाब देते हुए मोडोक कहता है, जैसे ही पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हम उसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे जैसे कुछ लोगों को यहाँ पर ले आए थे। हम ऐसे लोगों को चुनकर यहाँ लाए थे जिन पर इस रेडिएशन का बुरा नहीं बल्कि अच्छा असर हुआ था, और देखो आज रेडिएशन की वजह से तुम पहले से भी कई गुना पावरफुल हो चुके हो। इसके आगे मोडोक हल्क से कहता है, आज तुम सिर्फ हमारी वजह से जिंदा हो डॉक्टर बैनर, तुम्हें तो हमें थैंक्स बोलना चाहिए। पर ये सुनते ही हल्क मोडोक को एक जोरदार चाटा मारता है और बोलता है, थैंक्स। और ये बोलते ही हल्क वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही हल्क बाहर की दुनिया को देखता है और बाहर का मंजर देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके बाद हल्क सीधा लास वेगास पहुँच जाता है, जहाँ पर किसी वक्त पर वो खुद रहता था। वहाँ पर भी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, बिल्डिंगें टूट चुकी थी, सारे पेड़ सूख चुके थे और वहाँ के सारे जानवर भी मर चुके थे। हल्क वहाँ नीचे आकर एक छोटे से मरे हुए जानवर को अपने हाथों में उठाता है और सोचने लगता है कि इन सब में इन जानवरों की क्या गलती थी। इंसानों ने अपनी गलती की सजा खुद के साथ साथ इन जानवरों को भी दी है। हल्क
आगे सोचता है और कहता है, हम सभी को हमेशा से ये यकीन था कि हमारा गॉड हमारे साथ कभी भी ये सब नहीं होने देगा, वो हमें ऐसी हर तबाही से बचाए रखेगा, लेकिन इस तबाही को किसी ने भी नहीं रोका, किसी भी गॉड ने नहीं। ये सब सोचते हुए हल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर तभी हल गुस्से में आ जाता है और जोर से कहता है, भाड़ में जाओ तुम सारे गॉड्स, और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं ना तो आ जाओ, आओ और मेरा मुकाबला करो, आओ लड़ो मुझसे। और फिर ये बोलते ही हल्क वहां से चला जाता है। रास्ते में चलते वक्त ही उसे एक छोटा सा बच्चा दिखता है जिसने अपने मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है। वो बच्चा इधर उधर देखता है और फिर सीधा एक गटर के अंदर चला जाता है। हल्क वहां पर एक इंसान को देखकर काफी शौक हो जाता है और इसीलिए वो भी उस बच्चे के पीछे जाता है। उस गटर के अंदर आते ही हल्क को कई सारे लोग दिखते हैं और वो लोग हल्क को देखते उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर तभी हल्क को एक आवाज आती है, डॉक्टर बैनर। और जैसे ये सुनकर हल्क पीछे मुड़ता है वैसे ही वहां पर उसे मशीन मैन दिखता है। मशीन मैन हल्क को बताता है कि हम कुछ लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड एरिया में रहते हैं और हमारे पास कुछ खाना भी है जिससे हम अभी भी कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद मशीन मैन हल्क को अपने सीक्रेट बेस में ले जाता है जहाँ से वो लोग आसपास के शहरों पर नजर रख रहे थे। मशीन मैन हल्क को उन सारे शहरों का हल दिखाता है, पर उन्हीं में से एक स्क्रीन के ऊपर हल्क को एक शहर दिखता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। हल्क उस बारे में मशीन मैन से पूछता है, तब मशीन मैन हल्क को बताता है कि ये शहर पहले न्यूयॉर्क हुआ करता था लेकिन अब इसे डेस्टोपिया कहते हैं। इसे यहाँ के रूलर ने बनाया है और वो अभी भी इस जगह को रूल करता है और उसका नाम है मैस्ट्रो। ये देखने के बाद हल्क सीधा डेस्टोपिया शहर में चला जाता है और वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से कहता है कि मुझे मैस्ट्रो से मिलना है, इसीलिए मुझे उसके पास ले जाओ। यहीं पर हल्क के पीछे से एक आदमी आता है जो कि अपने आप को द मिनिस्टर बताता है और वो द मिनिस्टर हल्क को मैस्ट्रो के पास ले जाता है। मैस्ट्रो के महल में पहुंचते ही हल्क के सामने मैस्ट्रो आता है और मैस्ट्रो और कोई नहीं बल्कि हरकुलिस होता है। हरकुलिस हल्क को देखकर उसका स्वागत करता है, पर हल्क हरकुलिस को वहां पर देखकर चौंक जाता है। हल्क उससे पूछता है, हरकुलिस क्या तुम ही मैस्ट्रो हो? जिस पर हरकुलिस कहता है, हाँ मेरे दोस्त मैं ही हूँ। हरकुलिस सीधा जाकर हल्क को गले लगा लेता है और हल्क से कहता है, तुम मेरे फेवरेट हो हल्क। लेकिन ये सुनकर हल्क कहता है, फेवरेट लेकिन किस चीज में? जिस पर हरकुलिस कहता है, मुक्केबाजी में। और ये बोलते ही हरकुलिस हल्क को एक जोरदार पंच मारता है जिससे हल्क सीधा बाहर जाकर गिरता है। हल्क इसके रिस्पॉन्स में हरकुलिस को भी पंच मारता है जिससे हरकुलिस सीधा शहर के बीच जाकर गिरता है और फिर उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होने लगती है। पर तभी हरकुलिस जमीन पर एक पंच मारता है जिससे जमीन टूट जाती है और हल्क उसके नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही हल्क को वहाँ पर दो लोग दिखते हैं जो कि हल्क से कहते हैं कि उसका दोस्त रिक जोन्स उससे मिलना चाहता है। अपने दोस्त रिक जोन्स का नाम सुनते ही हल्क शॉक हो जाता है, इसीलिए वो उनके साथ सीधा रिक जोन्स के पास चला जाता है। ऊपर हरकुलिस को लगता है कि हल्क उससे डरकर भाग गया है, इसीलिए हरकुलिस वापस अपने महल के अंदर चला जाता है। इधर हल्क जैसे ही रिक जोन्स को देखता है वैसे ही वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। रिक जोन्स हल्क को बताता है कि हरकुलिस सालों से मास्टर बनकर इन लोगों को रूल कर रहा है पर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हरकुलिस को इन आम लोगों की कोई परवाह नहीं है। पर ये सुनते ही हल्क गुस्सा हो जाता है और रिक जोन्स से कहता है, तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? ये आम लोग जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया और वो काम करके दिखा दिया जो आज तक रेड स्कल और लीडर जैसे लोग भी नहीं कर पाए। भाड़ में जाए ये आम लोग। और ये हरकुलिस, इसके अंदर इतना सा भी दिमाग होता ना तो ये सबसे पहले इन आम लोगों को ही मारता, इन्हें घास की तरह काट देता। जोन्स, क्या तुम मुझे एक भी ऐसा रीजन दे सकते हो कि मुझे इन आम लोगों की चिंता क्यों करनी चाहिए? इसके बाद ये सब बोलकर हल्क वहां से चला जाता है और सीधा अल्टीमैक्स नाम की एक लैब में पहुंच जाता है। वहां पर हल्क को कुछ मरे हुए इंसान दिखते हैं जिन्हें कभी एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए मशीन्स के अंदर रखा गया था। इसके बाद हल्क कई महीनों तक यहां पर काम करने लगता है और फिर कुछ महीनों के बाद वो फिर से डेस्टोपिया में आता है। हल्क शहर के बीच में खड़ा होकर सबसे कहता है कि अब से मैं यहां राज करूंगा और तुम सब मेरा साथ दोगे और अगर तुमने मना किया तो तुम इनका शिकार बनोगे। और ये बोलते ही हल्क वहां पर अपने मशीन डॉग्स की आर्मी दिखाता है। ये वही मशीन डॉग्स हैं जिन्हें हल्क ने इतने महीनों तक लैब के अंदर तैयार किया है। हल्क की इन बातों को सुनकर वो सारे लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, जिसे देखकर हल्क अपने उन मशीन डॉग्स को उन्हें मारने के लिए भेज देता है। पर उन डॉग्स के अटैक करने से पहले ही वहां पर हरकुलिस आ जाता है और उन मशीन डॉग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसके बाद हल्क और हरकुलिस के बीच फाइट शुरू हो जाती है। हल्क हरकुलिस को पंच मारता है लेकिन हरकुलिस उसके पंच को पकड़ लेता है और उसे हवा में उछालकर उसके पैर के अंगूठे को पकड़ लेता है और फिर वो हल्क को जमीन पर पटकने लगता है। इसके बाद हरकुलिस हल्क के मुंह पर घूंसे मारने लगता है और मारते हुए हल्क से कहता है, हार मान लो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर तभी हल्क कहता है, हाँ मैं हार मानता हूँ। ये सुनते ही हरकुलिस हल्क को अपना हाथ देकर खड़ा करता है और उससे बातें करके वहां से चला जाता है। पर इसके कुछ दिन बाद हल्क फिर से हरकुलिस के पास आता है और इस बार वो अपने साथ एक लेडी को भी लेकर आता है। हल्क हरकुलिस से कहता है कि वो इस लेडी को उसके लिए लाया है। ये सुनते ही हरकुलिस उस लेडी के साथ अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर आते ही हमें ये पता लगता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि द वेपर होती है जो कि उसी वक्त वेपर में ट्रांसफॉर्म होकर हरकुलिस के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से हरकुलिस की सांसें रुक जाती है, हरकुलिस का दम घुटने लगता है और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद ही हरकुलिस की मौत हो जाती है।
है और फिर वेपर हरकुलिस के अंदर से बाहर निकल जाती है। लेकिन फिर तभी हल्क अंदर आ जाता है और वेपर के ऊपर एक एडवांस गन से फायर कर देता है जिससे वेपर जम जाती है और फिर हल्क उसके पास आकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है जिससे वेपर भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हल्क हरकुलिस के पास आता है और कहता है, माफ करना हरकुलिस, लेकिन हल्क से कोई नहीं जीत सकता। इसके बाद हल्क हरकुलिस को शहर के बीच में ले जाता है और वहां लाकर उसकी बॉडी को जला देता है और फिर वहां के सारे लोगों से कहता है, अब से मैं तुम सबका राजा हूं, मैं, और अब से मेरा नया नाम होगा माइस्ट्रो। और फिर इसके बाद हल्क के मशीन डॉग्स वहां खड़े लोगों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी एक मशीन डॉग पर एक अटैक होता है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हल्क पीछे देखता है तो उसे एक आदमी दिखता है जिसके हाथों में एक बहुत ही एडवांस गन होती है। वो हल्क पर भी फायर करता है, लेकिन उससे पहले हल्क जमीन तोड़ देता है जिस वजह से वो आदमी नीचे गिर जाता है और उसके हाथों से वो गन भी गिर जाती है। हल्क उसे मारने जा रहा होता है कि तभी हरकुलिस जलते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। हल्क उसे देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके थे, तुम कैसे जिंदा हो सकते हो। पर हरकुलिस हल्क से कहता है, हेड्स ने मुझे जिंदा रहने की परमिशन दी है, इसीलिए अब मैं तुम्हें मार कर ही मरूंगा। असल में हेड्स ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर गॉड ऑफ डेथ है और यहाँ पर हरकुलिस इसी गॉड ऑफ डेथ की बात कर रहा है। इसके बाद हरकुलिस हल्क को मारने लगता है, लेकिन तभी द मिनिस्टर उस गन से हरकुलिस को मार देता है जिसके बाद हरकुलिस सच में मर जाता है। हल्क मिनिस्टर से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो हरकुलिस के लिए काम करते थे। पर यह सुनकर मिनिस्टर कहता है, हाँ, पर मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, मैं तो अब तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद हल्क अपने महल के अंदर जाता है और हरकुलिस की राजगद्दी पर बैठ जाता है और वहाँ का नया राजा बन जाता है। इसके बाद हल्क यानी कि माइस्ट्रो मिनिस्टर से कहता है कि मैंने कई दूसरे शहरों में कई सारे सर्वाइवर्स को देखा है, इसीलिए अब हम उन्हें ढूंढेंगे क्योंकि उनके पास कई सारा खाना और कई जरूरी सामान है और अब वो सब हमारे काम आ सकता है। ये सुनकर मिनिस्टर पूछता है, तो क्या अब आप उन सबको मार देंगे। जिस पर माइस्ट्रो कहता है, नहीं, पहले हम उन्हें अपने साथ आने का मौका देंगे, अगर वो मान गए तब तो ठीक है, वरना तो वो मरेंगे। इसके बाद माइस्ट्रो मिनिस्टर को मशीन मैन और उसके लोगों के पास भेजता है, जहां पहुंचकर मिनिस्टर उनसे कहता है कि अब से तुम सब पर माइस्ट्रो राज करेगा और जो भी खाना और सामान तुम्हारे पास है वो सब तुम्हें उसे देना होगा। जिसके बाद वो इस बात का फैसला करेगा कि वो सामान किस किस में बटेगा और अगर तुमने मना किया तो तुम सब मारे जाओगे। पर मशीन मैन इस बात को ठुकरा देता है और मिनिस्टर को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद माइस्ट्रो वहां आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है और मशीन मैन का सर उखाड़ देता है। पर तभी मशीन मैन के अंदर से आवाज आती है और मशीन मैन माइस्ट्रो से कहता है, मैं सिर्फ एक डुप्लीकेट हूँ, ये सब तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था, क्योंकि असली मशीन मैन तो अपने लोगों और अपने जरूरी सामान के साथ यहाँ से बहुत दूर जा चुका है और अब वो तुम्हारी पकड़ में कभी नहीं आने वाला। और हाँ, मेरे अंदर एक बॉम्ब भी लगा है जो कि अभी कुछ ही सेकंड में फटने वाला है। और फिर इसके बाद ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद माइस्ट्रो उस मलबे से बाहर निकल आता है और अपने शहर में वापस जाने लगता है। यहीं पर हमें पता लगता है कि माइस्ट्रो के ऊपर द पैंथियंस नजर रख रहे थे। ये द पैंथियंस मार्वल की एक सुपर हीरो टीम है और एक टाइम पर हल्क भी इस टीम का मेंबर रह चुका है। हमें पैंथियंस टीम दिखाई जाती है जो कि माइस्ट्रो के बढ़ते आतंक को रोकना चाहती थी और उसके लिए प्लान बना रही थी। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनसे कोई मिलने आता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होता है। डॉक्टर डूम अंदर आकर उन सभी से बात करता है और उनके साथ मिलकर माइस्ट्रो को रोकने का प्लान बनाता है। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से माइस्ट्रो को डॉक्टर ब्रूस बैनर के फॉर्म में लाना होगा क्योंकि वो लोग तभी उसे खत्म कर सकते हैं। इसके बाद द पैंथियंस माइस्ट्रो के पास जाते हैं और उससे पुराने दोस्तों की तरह मिलते हैं। यहाँ आने पर माइस्ट्रो उन सबके साथ डिनर करता है और उनसे बातें करने लगता है। माइस्ट्रो उन्हें बताता है कि वो कई सालों से एक मशीन के अंदर बंद था और उसे उस मशीन के अंदर मोडोक ने बंद किया था, लेकिन अब वो वहां से बाहर आ चुका है क्योंकि उसे कोई भी कैद नहीं कर सकता। माइस्ट्रो की ये बात सुनकर वो सभी कहते हैं, मोडोक और उसके आदमियों ने हमारे एक साथी की जान ली है, इसीलिए अब हम मोडोक से बदला तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा। ये सुनकर माइस्ट्रो उनसे कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता है मोडोक कहाँ मिलेगा, चलो मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। इसके साथ माइस्ट्रो द पैंथियंस के प्लेन में बैठकर उनके साथ जाने लगता है। रास्ते में माइस्ट्रो उनसे पूछता है, वैसे तुम्हारे साथी को उन्होंने कैसे मारा था ये बताओगे। पर ये सुनते ही वो लोग बिल्कुल चुप होकर सोच में पड़ जाते हैं। माइस्ट्रो समझ जाता है कि उन्होंने उससे झूठ बोला है और इसीलिए वो उन सबको पकड़ लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर तभी माइस्ट्रो बेहोश हो जाता है क्योंकि उन सभी ने माइस्ट्रो के ऊपर एक बेहोशी का गैस मारा होता है। और फिर माइस्ट्रो के बेहोश होते ही डॉक्टर डूम सामने आता है और हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ डॉक्टर डूम और पैंथियंस का ही प्लान था। वो सभी मिलकर माइस्ट्रो को एक लैब के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद पैंथियंस का एक साथी जिसका नाम पेरिस होता है वो आकर अपनी माइंड पावर्स को यूज करता है और माइस्ट्रो के माइंड के अंदर उसे इल्यूजन दिखाने लगता है। लेकिन माइस्ट्रो पेरिस के बारे में समझ जाता है, इसीलिए वो उसका गला दबाकर उसे मार देता है जिससे पेरिस रियल लाइफ में भी मर जाता है। और फिर माइस्ट्रो नींद से जाग जाता है और मशीन को तोड़कर बाहर निकल आता है। इसके बाद माइस्ट्रो और पैंथियंस के बीच फाइट शुरू हो जाती है और माइस्ट्रो उन सबको मारने लगता है। लेकिन तभी माइस्ट्रो को यानी कि ब्रूस बैनर को उसकी मदर रेबेका नजर आने लगती है, जिसे देखकर माइस्ट्रो इमोशनल हो जाता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। पर जैसे ही वो ह्यूमन फॉर्म में आता है तभी उसको कई सारी गोलियां लगती है और फिर हमें पता लगता है कि वहां पर ब्रूस बैनर की मदर रेबेका नहीं बल्कि पेरिस ही था,
जिसने मास्टरो को ये सब इल्यूजन दिखाया था। इसके बाद वो लोग ब्रूस की बॉडी को एक सख्त मेटल के अंदर डाल देते हैं ताकि वो कभी वहाँ से बाहर ना निकल पाए, और साथ ही वो लोग उसके ब्रेन को भी कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन तभी ब्रूस बैनर के दिमाग के अंदर ही मास्टरो आ जाता है और वो ब्रूस बैनर को होश में ले आता है, जिसके बाद ब्रूस बैनर की आंखें खुलते ही वो मास्टरो बन जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद मास्टरो वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर द पैंथियंस की पूरी टीम एक बॉम्ब ब्लास्ट के साथ ही खत्म हो जाती है। मास्टरो यहाँ से सीधा डेस्टोपिया की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ डेस्टोपिया के अंदर डॉक्टर डोम मास्टरो के महल में पहुंच जाता है और वहां जाकर मास्टरो की राजगद्दी पर बैठ जाता है। पर कुछ टाइम के बाद ही दरवाजा तोड़ते हुए मास्टरो वहां पर आता है और ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच फाइट होने वाली है, पर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं और यहीं पर हमें पता लगता है कि द पैंथियंस की पूरी टीम को मारना मास्टरो और डॉक्टर डूम दोनों का ही प्लान था, और इन दोनों ने मिलकर उन्हें इसीलिए मार दिया ताकि वो लोग इनके काम के बीच में ना आए। डॉक्टर डूम कहता है अब हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए अब हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। पर यह सुनकर मास्टरो कहता है सॉरी, मैं अकेला ही काम करता हूँ, इसीलिए इस दुनिया पर रूल भी मैं अकेला ही करूंगा। और फिर ये बोलते ही मास्टरो और डॉक्टर डूम के बीच एक फाइट होने लगती है, और फाइट करते हुए वो दोनों सीधा एल्केमेक्स बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके मास्टरो ने अपने लिए मशीन डॉग्स की आर्मी बनाई थी, इसीलिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का बहुत सारा सामान होता है। और इस टाइम पर यहाँ आना भी मास्टरो का ही प्लान होता है। डॉक्टर डूम हवा में उड़ते हुए मास्टरो के पास आ जाता है और उसके सामने आकर उससे कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते डॉक्टर बैनर। पर तभी मास्टरो एक डिवाइस के बटन को दबाता है जिसकी वजह से डॉक्टर डूम के अगल बगल में दो इलेक्ट्रो मैग्नेट्स आ जाते हैं और वो डॉक्टर डूम के आर्मर को खींचकर उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। ये देखकर मास्टरो कहता है तुम्हारी सारी ताकत इस आर्मर की वजह से थी, चलो देखते हैं तुम इसके बिना कितने पावरफुल हो। और ये बोलते ही मास्टरो डॉक्टर डूम को एक पंच मारता है जिससे डॉक्टर डूम की कई हड्डियां टूट जाती है और डॉक्टर डूम सीधा एक बिल्डिंग से टकरा कर गिरता है, जिसके बाद वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। और फिर मास्टरो फिर से डॉक्टर डूम को मारने आता है, लेकिन डॉक्टर डूम वहीं पास में रखे अपने मास्क को उठाता है और उसकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से वहां से गायब होकर भाग जाता है। और इसी तरह से मास्टरो डॉक्टर डूम को हरा देता है और फिर इसके बाद मास्टरो इस पूरे यूनिवर्स को रूल करने लगता है, वो भी अकेला। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यही फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉमिक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ऐसी कॉमिक्स अच्छी लगती हो तो आप हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज और इमोर्टल हल्क कॉमिक सीरीज जैसी कई कमाल की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैं इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।